तो ये हमारा खेत है, यहाँ से वहाँ तक बाउंड्री दिख रही होगी आप लोगों को। I don't wanna see you. I don't wanna hear you tonight. I don't wanna fight you. You don't wanna know if I feel. तो अभी भी जस्ट मैं घर पे पहुंचा, और पहुंचने के बाद मम्मी ने बोला कि मुझे टिफिन दे के आना पड़ेगा पापा का। तो अभी मैं खेत पे जा रहा हूँ, और बाइक तो है नहीं मेरे पास, तो मुझे यहाँ से पैदल ही जाना पड़ेगा। तो पहले टिफिन दे के आते हैं, फिर मिलते हैं। तो अभी मैं खेत पे पहुंचने वाला हूँ। सामने दिख रहा होगा हमारा खेत है, और मुझे जाना है यहाँ से, और यहाँ पे तो यहाँ पर पानी पानी है। तो ये है हमारा खेत, और यहाँ पे चल रहा है पानी। तो अभी तो जा रहा है गेहूँ में, और ये बेस चारा, और अब मुझे करना है लहसुन में, तो यहाँ से फोड़ना पड़ेगा। तो इसको रोकना पड़ेगा। तो गाइज आज मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ। तो मैं एक गांव से बिलोंग करता हूँ, गांव बोले तो कस्बा, मेरा गांव एक कस्बा है। तो और मैं एक किसान का बेटा हूँ, तो मुझे लाइफ में हर वो मोमेंट मिलता है करने के लिए, हर वो काम करने को मिलता है जो आदमी अपनी लाइफ में करता है। और पढ़ाई तो सभी करते हैं, पर उसके अलावा भी और भी कुछ काम होते हैं जो हमें करने पड़ते हैं घर के वगैरह। तो ये सब काम भी मुझे करने पड़ते हैं। बेसिकली मैं ऐसे काम तो करता नहीं हूँ, पर कभी ज़रूरत ऐसी पड़ जाती है कि काम भी करना पड़ता है। तो अभी पापा तो वहाँ पे खाना खा रहे हैं, तब तक पापा ने बोला कि मैं पानी फेर लूँ यहाँ पे। तो ये हमारा खेत है, यहाँ से वहाँ तक बाउंड्री दिख रही होगी आप लोगों को। तो वहाँ से ये बाउंड्री है, वहाँ तक ही हमारा खेत है, और वहाँ पे पापा खाना खा रहे हैं, और नीम के पेड़ के नीचे। और पापा ने बोला था, अभी तक पानी चल रहा था गेहूँ में, तो यहाँ से मैंने बंद कर दिया है, ये इन्होंने गेहूँ को पिला दिया है, और ये चारा जो हम गाय भैंस को खिलाते हैं, और यहाँ पे लहसुन। तो अभी मैंने पानी इसमें कर दिया है, तो यहाँ पे जा रहा है पानी, और मुझे आगे भी पानी डालना है, तो वहाँ पे भी मोड़ के आना पड़ेगा। तो इसमें मैंने पानी दिया था, तो यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो इसके ये पानी बह के साइडों में साइड से निकल रहा है, एक यहाँ से निकल रहा है, और वहाँ से मुझे पानी कम करके आना पड़ेगा वहाँ से। तो जब तक पापा खाना खा के रेडी होते हैं, तब तक मुझे करना पड़ेगा ये सब। तो अभी मैंने अपनी घड़ी को खोल लिया था, क्योंकि पानी में अगर ये गीली हो गई तो ख़राब भी हो जाएगी। तो मैं इसे खोल लेता हूँ और जेब में डाल लेता हूँ। See you. I don't wanna hear you tonight. I don't wanna fight you. You don't wanna know if I feel alright. I don't wanna just forgive you. I just wanna be fine. I've been waiting for a sign to light up. Yeah. And your heart is out of sight. I just wanna feel mine. तो अभी मैंने इसे यहाँ से भी तोड़ दिया है, तो अभी यहाँ से जाएगा इधर इधर, और अब अभी चलते हैं आगे जहाँ पे मैंने पहले लगा हुआ था, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा आ रहा था, तो मुझे क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा आ रहा था, तो मुझे यहाँ से तोड़ना पड़ा। अब उधर का देखते क्या हाल है। तो अभी मैंने उस वाली क्यारी में पानी दिया था, और वह फूट के इस वाली क्यारी में भी आ चुका है,
और यहाँ से इसमें भी जा रहा, वहाँ तक चला गया। तो मुझे यहाँ से भी इसको सही करना पड़ेगा। और गाइज आज मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताने वाला हूँ, जिस किसी को भी व्लॉगिंग नहीं आती वो लोग ऐसे खेत में या कहीं सन्नाटे में निकल जाओ और जो मन में आता रहो बोलते रहो, जो तुम्हें करना करते रहो वो बोलते रहो, इससे तुम्हारा बोलने का जो डर है वो पूरी तरह निकल जाएगा। तो अभी पानी बहुत ज़्यादा हो गया है और ये मेरे से हैंडल नहीं हो रहा, क्योंकि ये चीज़ मेरे बस से बाहर है। ये मैंने पहले किया एक दो बार, लेकिन इस चीज़ का मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो ये चीज़ मेरे बस के बाहर है। पानी बहुत ज़्यादा हो गया, इस वाले क्यारी में आ गया, इसमें आ गया, और अभी पता नहीं क्या होगा। देखते हैं जैसे वो हैंडल होता है। ये सब चीज़ें हमारे बस से बाहर है, मेरे बस से बाहर है ये सब चीज़ें, क्योंकि पहले कभी किया नहीं। और पापा लोग तो करते रहते ये काम, क्योंकि किसान है वो, तो उनके हाथ में तो ये काम रहता ही है, तो उन्हें इस चीज़ का फुल एक्सपीरियंस है, और हमने कभी किया नहीं तो हमें तो पता ही नहीं। तो ये चीज़ मेरे बस के बाहर है, फिर भी मैं ट्राई करता हूँ जब तक पापा खाना खा के नहीं मरते। आज ना व्लॉगिंग करने का मुझे फुल मज़ा आ रहा है, क्योंकि दूर दूर तक कोई नहीं है और हमें किसी का डर भी नहीं है कि कोई हमें देखेगा या कुछ करेगा कुछ सुनेगा। तो भाई अगर तुम लोगों को व्लॉगिंग करनी है, ट्रिक बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, अगर तुम लोगों को व्लॉगिंग करनी है तो ऐसे अपने खेत पे या कहीं सन्नाटे में निकल जाओ जहाँ पे कोई नहीं हो, और जो मन में आ रहा है वो बोलो। और जब तुम्हारा डर निकल जाए तो तुम लोग पब्लिक में आराम से व्लॉग कर सकते हो, तुम्हें कोई डर नहीं रहेगा, कोई ये नहीं रहेगा, तुम अपनी मर्ज़ी से खुद कोई भी काम कर सकते हो। तो एक बार ज़रूर ट्राई करना अगर तुम लोग व्लॉगिंग करना चाहते हो तो। ओके, आज ब्लू है पानी 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 पानी, और खेत में पानी 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 हो चुका है, चारों तरफ पानी हो चुका है, पानी बहुत ज़्यादा है, और इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है। तो भाई ये चीज़ करना अपने बस के बाहर है, देखते हैं कहाँ तक गया है ये। तो भाई पानी पानी हो गया, इस साइड पे पानी, इस साइड पे पानी, और चारों तरफ पानी पानी। तो मैं जैसे ही घर पे पहुंचा तो मम्मी ने मुझे बोला कि पहले पापा का टिप्पण दे के आओ, क्योंकि पापा सुबह से खेत को पानी दे रहे थे, तो उन्हें भी बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। हमने तो रास्ते में नाश्ता कर लिया था वहाँ पे रुक के, और पापा तो बेचारे भूखे थे, तो अभी मुझे भी भूख लग रही है क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है। तो ये तो वहाँ तक फुल हो चुका है और मुझे फटाफट से जाना पड़ेगा, इस वाले में डालना पड़ेगा, वहाँ से मैं चेंज करके आना पड़ेगा फटाफट। मैं भागता हूँ यहाँ से, निकलो 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 जल्दी जल्दी। आज मैं पूरी पागल की तरह हरकतें कर रहा हूँ, तुम लोगों को देखने में मज़ा आ रहा होगा, मुझे हंस रहे होंगे तुम लोग मुझ पर कोई नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और एक ज़रूरी बात जो मुझे तुम लोगों को कब से बतानी थी, तो मैं इतने टाइम से भूल रहा था, मेरे माइंड में आ नहीं रहा था, तो ये मैं बता देता हूँ कि मैं अपने हाड़ौती प्रदेश से यानी कि हाड़ौती क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ। तो कभी कभी हिंदी के बीच में मेरे मुँह से कभी कभी हाड़ौती भी निकल जाती है, क्योंकि हमारी आदत में वही पड़ रही है हाड़ौती। तो इस चीज़ को तुम एडजस्ट कर लेना जैसा भी है, क्योंकि हमारे मुँह में इतनी हिंदी तो आती नहीं है और हम घर पे हिंदी इतना बोलते नहीं हैं, तो हमसे कभी कभी हिंदी के बीच में हड़ौती भी निकल जाती है। और अभी मैं व्लॉग कर रहा था और अभी देखा जस्ट मेरे पैर में कांटा चुभा है, तो ये कांटा है। तो होती है यार, किसान लोगों को काफ़ी कुछ प्रॉब्लम होती है, पैर में कांटे वगैरह चुभ जाते हैं, तो होती है यार, किसान को बहुत प्रॉब्लम होती है। किसान अपनी लाइफ में बहुत कुछ करता है, बहुत मेहनत करता है कमाने के लिए, अपने घर को पालने के लिए, उसके पैर में इतने कांटे चुभ जाते हैं। मुझे पता है, मैं खुद पापा के कांटे निकालता हूँ, तो छोटे छोटे बहुत से कांटे पैर में डल जाते हैं, मैं खुद निकालता हूँ उसे। मुझे पता है कि कोई किसान खेती करता है कितनी मेहनत करता है, कितनी मेहनत से कमाता है,
तो ये सब तो करना ही पड़ता है किसान को। और हम तो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ मैं, तो ये सब तो हमारे लाइफ में है, इसे ये सब चीज़ें तो हमें करनी पड़ती है। तो जैसे खेत का कुछ काम हो गया, घर का कुछ काम हो गया, तो और ये सब चीज़ें करने में हमें शर्म नहीं करनी चाहिए। कि बहुत से लोग मैंने देखा, बहुत से जो अपने खेत पर भी नहीं जाते, घर का काम नहीं करते, घर पे बैठे रहते, पड़े रहते हैं। तो उन लोगों से मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई जो भी हो लाइफ में किसी चीज़ में शर्म ना करो, किसी चीज़ का तुम डर मत रखो। नहीं कि मैं भी पहले ऐसे ही था, मतलब हर चीज़ में शर्म करता था। कुछ घर का कुछ काम करना हो या खेत का, तो कोई भी काम करना हो तो मैं शर्म करता था। फिर जैसे बड़ा हुआ, जैसे समझदार हुआ, तब मुझे अक्ल आई कि ये सब आदमी को ये सब अपनी लाइफ में करना पड़ेगा। वो कितना ही कुछ कर ले, कितना ही अच्छे कपड़े पहन ले, फिर भी उस आदमी को घर का काम में जो करना पड़ेगा। तो हम तो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, इसलिए हमें तो ये काम करना पड़ेगा। तो इस चीज़ में कोई शर्म नहीं करनी चाहिए। तो इतना कहूँगा मैं आप लोगों से, तो अपने मम्मी पापा हर वो काम करो, हर बात मानो, क्योंकि वही हमें सब कुछ करने वाले, सिखाने वाले, दिलाने वाले जो भी है। तो मम्मी पापा जो काम कहे वो तुम्हें करना पड़ेगा, करना चाहिए, तो हर वो काम करो। तो ये कहना चाहूँगा। तो मैं मेरी खुद की बताता हूँ, मैं भी पहले ऐसा ही था। घर वाले या पापा जो भी काम बोलते थे मैं करता नहीं था, शर्म करता था हर काम में, या फिर मना कर देता था। तो जैसे मैं बड़ा हुआ, समझदार हुआ, तब मुझे अक्ल आई। तब पहले मुझे अक्ल नहीं थी, फिर बाद में मुझे अक्ल आई। जैसे मैं बड़ा हुआ मुझे अक्ल आई कि यार ये सब काम करना ज़रूरी है, क्योंकि अब हम लोग ये काम नहीं करेंगे तो पापा कब तक करेंगे। तो हमें किसी भी काम करने में कोई शर्म नहीं करनी चाहिए, कोई मना नहीं करना चाहिए। और जितना हो सके अपने माँ बाप को खुश रखने की कोशिश करो, जितना हो सके अपने माँ बाप को खुश रखो। उनसे कभी बदतमीजी से बात मत करो, लड़ाई झगड़ा मत करो। तो हालांकि ये बातें किसी को चुभ रही होगी, किसी को बुरा लग रहा होगा, पर भाई जो रियलाइज़ है वो मुझे पता है, या कुछ लोगों को पता है, क्योंकि अपने माँ बाप ही हैं जो अपने लिए सब कुछ करते हैं। मुझे पता है मेरे माँ बाप मेरे लिए क्या क्या कर रहे हैं। तो बस यही कहना चाहूँगा, जितना हो सके अपने माँ बाप को खुश रखो, खुश रखने की कोशिश करो। क्योंकि अच्छे कपड़े पहनने से कोई महान नहीं बन जाता, महान अच्छे कपड़ों से नहीं, महान अपने कर्मों से, अपने काम से, अपनी अच्छी वाणी से। माँ बाप की सेवा करो, अपने माँ बाप को खुश रखो, तो महान वो होता है। तो अच्छे कपड़े पहनने से कोई महान नहीं होता है। तो हर चीज़ का डर, हर चीज़ की शर्म अपने मन से दूर करो, और जो तुम्हें करना है, जो सही हो और जो तुम्हें करना हो, तो वो तुम करो। तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं है। पहले मैं कुछ नहीं करता था, मुझे लगता था कि यार मैं ये क्या कर रहा हूँ, अपनी लाइफ खुद ही बर्बाद कर रहा हूँ। तो फिर मुझे समझ आया कि मुझे कुछ तो करना चाहिए, कुछ बड़ा करना चाहिए लाइफ में। तो आज के मतलब दो व्लॉग पहले मैंने जो भी वीडियो शूट किया था वो अकेले में, या कुछ डर मेरे अंदर बहुत ज़्यादा डर था, इस वजह से मैं व्लॉग कम कर पाता था, बहुत कम कर पाता था। बट फिर मुझे आज या मतलब अपने दो व्लॉग में रियलाइज़ हुआ कि यार मुझे कुछ करना चाहिए, अपने डर को बाहर निकालना चाहिए। क्योंकि कोई इंसान कुछ बोलेगा, ठीक है तुम सुन लो यार, उसको मन से दिल से निकाल दो, अनसुनी कर दो, या तो कुछ गलत बोलता है अनसुन कर दो। क्योंकि मुझे पता है बोलने से क्या होगा, कुछ किसी के कुछ बोलने से कोई नहीं बिगड़ सकता। अब कोई अब बोल के तो क्या बिगाड़ सकता है। तो मुझे उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई मेरे बारे में कुछ बोले, कुछ गलत बोले। बट जो मुझे करना है वो मैं करूँगा, और जो मेरे लिए सही होगा वो चीज़ मैं करूँगा। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा, जो तुम्हें अपनी लाइफ में करना चाहिए वो तुम करो, जितना हो सके खुश रहो अपनी लाइफ में, और बिना शर्म के हर काम करो, बिना डर के हर काम करो, और जितना हो सके खुश रहो। और अभी मैं उधर से आ रहा था वहाँ पे, तो यहाँ पे झाड़ियों में कुछ काटे थे जो मेरे पैर में चुभ गए, छोटे छोटे काटे बहुत सारे, 1 2 3 4 5। तो भाई बहुत प्रॉब्लम होती है, एक किसान अपनी लाइफ में बहुत कुछ सहता है, बहुत कुछ करता है, वो अपनी फैमिली अपने परिवार को पालने के लिए कितनी मेहनत करता है वो सिर्फ किसान लोग ही जानते हैं, या जो ये काम करते हैं उन्हीं को ये सब पता रहता है। तो मुझे खुद पता है, मैंने खुद पापा के पैर से इतने कांटे निकाले। जब भी पापा खेत पर पानी पिलाने आते हैं तो हर बार उनके पैर में कांटे चुभते हैं, कितना दर्द होता है किसान को, वो सिर्फ किसान लोग जानते हैं या हम लोग ही जानते हैं। बहुत सारे कांटे चुभे मेरे पैर में एक साथ, और यहाँ से खून भी निकल रहा है। तो भाई बहुत मेहनत लगती है किसान को अपने परिवार को पालने में,
तुम लोग अगर किसान के बेटे हो या किसान हो तो ये चीज़ तुम्हें खुद पता होगी कैसे मेहनत करते हैं, कैसे पैसे कमाए जाता है। तो लाइफ में जितना हो सके कोशिश करो कि तुम पढ़ो लिखो, जितना हो सके अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, खुश रहो, दूसरों को खुश रखो। और अभी तो मेरे पैर में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है तो इस वजह से, और अभी तक पापा आए नहीं हैं और टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया है, तो देखते हैं जब तक पापा आते हैं तभी मुझे करना पड़ेगा। भूख भी काफ़ी लग रही है वैसे, पर कोई नहीं, इतना सब कुछ तो करना ही पड़ता है यार लाइफ में। तो यही कहूँगा भाई। वैसे आज का व्लॉग थोड़ा लंबा हो जाएगा क्योंकि मैंने बहुत सी बातें आज के व्लॉग में बताई है जो पहले मैं इतना बोल नहीं पाता था क्योंकि इतना टाइम नहीं मिलता था। तो यहाँ पे कोई नहीं है, जो बातें मेरे दिल से निकल रही है वो आज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो वही है भाई, अगर आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो यही कहना चाहूँगा आज के व्लॉग में, और फिलहाल देखता हूँ अगर पापा जब तक आते हैं तब तक मुझे करना पड़ेगा सब कुछ। तो भाई इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो भाई वीडियो पर लाइक तो बनता है और चैनल पर सब्सक्राइब बनता है, तो भाई जाओ और चैनल को सब्सक्राइब करो यार। तो कोई बंदा अगर इतनी मेहनत करता है, इतना सब कुछ करता है, तो तुम लोगों का भी काम बनता है कि यार चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और जितना हो सके उतना शेयर मारो, क्योंकि यार तुम्हारा, हम लोगों का कुछ नहीं बिगड़ता, हमारा सिर्फ एक टच जाता है, हमारा कुछ नहीं बिगड़ता ये सब करने में। तो यार क्यों देर कर रहे हो, क्यों देर कर रहे हो भाई, जाओ जाके चैनल को सब्सक्राइब करो, यहाँ पे जो लाल कलर का बटन दिया हुआ रहेगा उसको सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना ताकि मेरी जो भी नई वीडियो आए तुम लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, सो फाइनली पापा भी आ गए हैं और टाइम हो रहा है 12:30, तो अभी निकलते घर के लिए। तो यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो पूरा पानी पानी भर गया हुआ है, पूरा पानी पानी है, मेरे पैर इतने इतने डूब रहा है। तो ये सब मेरे कंट्रोल में नहीं था तो इसी वजह से हुआ है, पूरा पानी पानी भर गया है। तो ये सब अब पापा को हैंडल करना पड़ेगा, हालांकि ये सब मेरी गलती है जो भी है, पर मैं क्या कर सकता हूँ यार, ये सब मेरे कंट्रोल में नहीं था। तो अभी निकलते हैं, टिफ़िन वगैरह उठाते हैं और निकलते हैं यहाँ से, ये टिफ़िन बोतल इस पर डाल। खेत से ये थोड़ा पानी बाहर भी आ गया है, इधर यहाँ पे पानी पानी हो रखा है, मेरे जूते भी गीले हो गए हैं, ओह शिट, और इधर बाहर भी पानी पानी हो गया। तो ये सब हमारे खेत से निकल रहा है, तो ये सब पानी ज़्यादा आने की वजह से हुआ है। तो अभी मिलते हैं सीधा घर पे। ऑलराइट, तो फाइनली मैं घर पे पहुंच गया हूँ और बहुत थक भी चुका हूँ, बहुत भूख भी लग रही है। मैंने सुबह से बस वो वहाँ पे कुछ नाश्ता कैप कर रहा था, उसके बाद कुछ नहीं खाया। अगर आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो जितना हो सके शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। तो भाई बहुत मेहनत लगती है ये सब करने में, तो भाई एक सब्सक्राइब तो बनता है तुम लोगों का, तो जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, बाय। I don't wanna see you, I don't wanna hear you tonight, I don't wanna fight you.